आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास यूक्रेन में जॉब अपॉर्चुनिटी कौन से स्टेट में कितना है, आप यहां पे कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आप कौन से जॉब करके आप कितना डेली का अर्निंग कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ग्लोबो रॉकेट और बोल्ट में काम कर सकते हैं, जैसे इंडिया में जोमेटो स्विगी है उसी तरह डिलीवरी बॉय, और आपके पास स्किल वर्क करना काफ़ी हार्ड होगा। ये तीन जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर हम टैक्सी ड्राइवर का बात करें तो उससे कितना अर्निंग डेली का हो जाता है इस पर हम बात करते हैं। टैक्सी ड्राइवर का डेली का अर्निंग $100 के आसपास होता है, लेकिन उसमें भी आप $100 अपना पूरा नहीं ले सकते। उसमें $100 मीन्स यहाँ के करेंसी के हिसाब से अगर बात करें तो 2700 हिरिवना, मतलब इंडियन 7500 के आसपास। तो आप उसमें से टैक्सी लेते हैं तो आपको उसमें से कितना बचेगा लास्ट में, इसको बात करते हैं, इसका कैलकुलेशन बैठा है। सबसे पहले आपको टैक्सी अगर आप क्यू में लेते हैं तो एक टैक्सी को हायर करने में एक दिन के लिए आप, अगर हम 500 हिरिवना का बात करें, एक दिन का टैक्सी का जो भाड़ा देना पड़ेगा वो इंडियन रुपीस में 1300 के आसपास हुआ। और दूसरा चीज़ है कि आपको $100 का आप जो टैक्सी चलाएंगे उसके लिए आपको तेल मिनिमम 300 हिरिवना का तेल जाएगा, यानी 300 हिरिवना अगर इंडियन रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 800 के आसपास, यानी टोटल 2000 रुपया इंडियन आप छाड़ दें टैक्सी जो आपने भाड़े पे लिया उसके लिए। फिर उसके बाद आप जो उसमें पेट्रोल डलवाएंगे उसके लिए, फिर अगर बात करें कि उसके बाद हमारा कितना डेली का बजेगा, तो अगर आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है फ्राइडे सैटरडे और संडे नाइट को, अगर आप उस दिन टैक्सी चलाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर एक एवरेज निकाल के बात किया जाए तो आप डेली के 4 से 5000 के आसपास कमा सकते हैं। लेकिन क्या एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे टैक्सी चलाना यहाँ यूक्रेन में अलाउ है और उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ टैक्सी चलाते हैं तो यहाँ पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो आप 3400 हिरिवना आपको चार्ज करेगी, यानी इंडियन 9000 के आसपास उतना आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चलाते हैं, इत्तफाक नहीं होता है कि आपको पुलिस पकड़ ले, लेकिन रेयर केस में कभी कभी ऐसा हो पाता है कि आपको पुलिस पकड़ ले तो वो पे कर देते हैं। मैंने 2-3 इंडियन बच्चे से बात किया जो हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर थे, कुछ ने डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में नाम लिखा लिया था, वो पहले ही इंडिया से प्लान करके आए थे कि हमें टैक्सी ड्राइवर ही बनना है, मैं पढ़ाई करने नहीं जा रहा हूँ। तो वो लोग को अगर फाइन कटता है, मानो आप 2 महीना आपने चलाया, कभी इत्तफाक ऐसा किसी के गाड़ी में आपने ठोक दिया तो उसके वजह से पुलिस कंप्लेन गया था, फिर वो सारे वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल इंडिया से बनवा के लाते हैं या यूक्रेन में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। $200 का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है जिसमें से $100 एजेंट खाता है और $100 आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का लगता है। तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और आप आसानी से गाड़ी भी मिल जाती है यहाँ पे, अच्छा अच्छा नया नया गाड़ी। और सेकेंड चीज़ है कि आप डिलीवरी बॉय बन सकते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉय में यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप डिलीवरी बॉय बनते हैं
तो यहाँ पे माउंटेन टाइप का जो एरिया होता है ना वैसा है, कभी कोई शहर ज़्यादा नीचे है कोई शहर ज़्यादा ऊपर है, तो इसके वजह से आपको दिक्कत होगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे साइकिल लेते हैं तो साइकिल रखने में आप हॉस्टल में रहेंगे, उसके बाद मेन सेंटर में रहना होगा, तो साइकिल ले सकते हैं आप, या आप स्कूटर जो आता है बोल्ट का, बुक नाउ का, उससे भी आप डिलीवरी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसमें काम करने के लिए आपको सबसे पहले ये यूक्रेनियन लैंग्वेज या रशियन आपको आना चाहिए, एटलीस्ट आप डिलीवरी ऑर्डर कर सकें। क्योंकि अगर आप ग्लोबो ऑफिस में जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप डिलीवरी कैसे करोगे, क्लाइंट से बात कैसे करना है, जो पैसा क्लाइंट ना जो मतलब फूड मंगा रहे हैं उनसे आप कैसे बात करेंगे, तो ये सब चीज़ के बारे में वो पूछते हैं। ग्लोबो ऑफिस में मैंने देखा वो एक दोस्तों का, तो उसका समर वेकेशन था, मेरा भी समर वेकेशन है, तो ग्लोबो ऑफिस में गया, मैं भी गया था, हम दोनों गए ग्लोबो ऑफिस में। फिर हमें वो बात करता है, बोलता है प्रीवित, हमने बोले दूजे दोबरे, फिर उसके बाद पता ना वो दो मिनट तक इतना ज़्यादा बोला, कुछ हमें समझ नहीं, सिर्फ यही समझ में आया कि वो पूछ रहा है कि पता ना, लास्ट में एक लड़का था इंडियन ही, मैंने उससे बात किया कि ये क्या बोल रहा था, तो बोल रहा है कि ये पूछ रहा था कि कैसे आप डिलीवरी करोगे, फिर बोलता है सॉरी ब्रात, आप लैंग्वेज सीखे फिर आ सकते हैं ग्लोबो में काम करने के लिए। अगर आप स्पेशली अगर आप क्यू मेडिकल यूनिवर्सिटी या और सब में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आसान है, लेकिन आप स्पेशली कोई यूक्रेन के अदर पार्ट से आके क्यू में ग्लोबो में जॉब करें, ये कोई अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप जितना खाएंगे उतना रहने में खाने में डेली का कमीनी आपका जो आप कमाएंगे वो चला जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आप टैक्सी ड्राइवर ही यहाँ पे सबसे बेटर होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ग्लोबो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं ग्लोबो में काम करना। हाँ अच्छा है, देखिए अभी भी आप एक साथ ग्लोबो बोल्ट दोनों में काम कर सकते हैं। जैसे ये आप स्कूटर पे देख सकते हैं, ये कोई इंडियन ही होगा इतना दिमाग लगा सकता है, एक साथ दो आईडी लेकर ग्लोबो बोल्ट दोनों में काम कर रहा है। तो ये चीज़ है कि आप एक साथ दो आईडी ले लें या किसी दोस्त के ले लें, उसके बाद आप अच्छे से कमा सकते हैं। 500 रिवना डेली का आप अगर ग्लोबो आईडी आपके पास है, बोल्ट या रॉकेट कोरियर, इससे आप कमा सकते हैं। तो इससे भी डेली का 500 गिरिवना मतलब 1300 आप डेली के। आपको स्पेशल साइकिल लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, फिर कभी बहुत ज़्यादा उतरना पड़ता है। आप अगर फास्ट डिलीवरी करोगे तो आपका रिव्यू होता है जो कस्टमर देते हैं वो आपको अच्छा रिव्यू देंगे, तो ये चीज़ होता है, ये भी अच्छा जॉब है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉल सेंटर में काम करने के लिए आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको विदाउट एजेंट कॉल सेंटर में आप काम नहीं कर सकते, जॉब परमिट मांगते हैं। अगर आपके पास जॉब परमिट नहीं है तो फिर आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एजेंट होते हैं वो $100 $150 लेते हैं पैसा, उसके बाद वो काम लगा देते। बहुत सारे बच्चे थे मुझसे, हमें मिले थे एक महाराष्ट्र का और दो गुजरात के, वो बता रहे थे अगर कॉल सेंटर में काम करना है तो आप बताना मैं करा दूंगा, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे ये कॉल सेंटर में काम हम नहीं करना। उसका सैलरी का अगर बात करें कॉल सेंटर का तो क्या सीन है, कॉल सेंटर में अगर आप काम करेंगे तो आपको $600 20 दिन का मिलेगा, और आपको सुबह के 10 बजे जाना है और 4 बजे आना है। मैं ये सारा वीडियो स्पेशली क्यू के लिए बना रहा हूँ, क्यू के बाहर सिटी जैसे खारकी, लबीब, चुमी और आप टर्नोफिल इधर पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए नहीं है, आप उन शहर में नहीं मान सकते, ये स्पेशली क्यू के लिए है। अगर आप क्यू शहर में हो तो फिर ऐसा कर सकते हो। हमारे हॉस्टल में लगभग 5-6 बच्चे हैं जो ग्लोबो बोल्ट और इसमें काम करते हैं एज अ डिलीवरी में, बिजनेस करने या जॉब के तलाश में आ रहे हैं। तो सबसे आसान होगा कि आप
स्टडी वीजा पे आए, फिर उसके कुछ दिन बाद तुमको जॉब में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। बहुत सारे